हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजाज खान VLY में। और आज हम आपको एक दिखाने जा रहे हैं, हमारे पास ये हेलोजन आई है, उसकी हेडलाइट का जो बल्ब होता है मोटरसाइकिल का, इसमें है तो LED ही लगी हुई, लेकिन ये अभी कस्टमर नया लेकर के गया होगा, एक हमारे भाई हैं दोस्त उनसे, और ये ख़राब हो गया। ठीक है, तो आज हम आपको दिखाएंगे ये सही कैसे होता है, इसका क्या ट्रिक है सही करने की, और सब आपको विस्तार से समझाएंगे। बस आप बने रहें मेरे चैनल पर और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इसे सही करना है। ठीक है, क्योंकि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर हमें 12 वोल्ट का अडॉप्टर चाहिए लाजिम। ठीक है, ये हमारे पास 12 वोल्ट का अडॉप्टर है, इसमें हमारी 12 से लेके 16 वोल्ट तक सप्लाई चलती है। ठीक है, तो अभी हम इसमें दिखाएंगे कि मतलब इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। ये देखिए, पहले हमारा ये जो है ये माइनस का निशान हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों तार लगा लिए लेकिन इसकी सप्लाई अभी चालू नहीं हुई है। देखिए यहाँ से तार लगे हुए हैं। ठीक है, मैं अभी इसको चेक करके फिर से दिखाता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। चलिए ठीक है भाई लोगों, पहले इस स्टैंड पर लगा दिया जाए इसमें। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये ठीक करना है। ओके, ये देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो है ये इस तरीके से यहाँ से पेचकस से ऐसे करके इसको हटा लें। हटाने के बाद में फिर इसका कैप जी यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से क्लिप फंसा हुआ होता है इस कैप में, और इसमें पेंच लगे रहते हैं। मैंने पेंच खोल लिए हैं ताकि टाइम जो है ज़्यादा बचे आपका। इसमें दो दो पेंच रहते हैं इधर साइड में, यानी 6 पेंच होते हैं, ये 3 है ना, तो 6 पेंच होते हैं इसमें। और इस तरीके से आराम से इसे निकाल लें। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं यहाँ पे, और अब हम इसको दिखाते हैं। इसमें एक छोटा सा फ़ैन लगा रहता है जो कि इसकी हीटिंग में बहुत हाई हीट होती है इसमें, तो इसकी इसको ठंडा करता रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखिए भाई साहब, ये सारे डायोड लगे हुए हैं। ये अब इन डायोडों में से कोई सा भी, जैसे मिसाल के तौर पर ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये यहाँ से इसका करंट दे करके इसकी सप्लाई आगे निकालने के लिए ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, और ये सब डायोड लगे हुए हैं 6 इसमें। ठीक है, तो इन डायोडों को चेक करेंगे पहले, चेक करने के बाद में फिर देखते हैं कि इसमें क्या वाल्ट आ रहा है। ठीक है, बैठो यार सर भाई, अरे बैठो यार, तुम भागे जा रहे हो यार। ये देखिए भाई साहब, पहले हमें इसके जो है ये यहाँ से देखना है इसकी सप्लाई, इसकी डायोड जो है गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। इसमें जैसे जो एक तरफ हल्का सा निशान रहता है, देखिए यार दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जो छोटे डायोड है तो जो एक साइड से निशान रहता है और एक साइड से मतलब प्लेन रहता है, तो जिसमें जो 2-3 से लाइनें होती हैं वो माइनस होता है। ये देखिए, ये हमारा इस टाइम सही आ रहा है, ये भी सप्लाई सही आ रही है, इसकी सप्लाई गड़बड़ कर रही है। नहीं, ये भी ठीक है, 430 समथिंग आ रही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, डायोड में इसके सब ठीक है यार। ये यहाँ से इसका माइनस, ये जो है ना ये गड़बड़ लग रहा है, ये यहाँ से प्रिंट इसका उखड़ा हुआ है, दिख रहा है गौर से देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से इसका प्रिंट उखड़ा हुआ है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बस ये इसकी सप्लाई आगे को बाधित कर रहा है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट सप्लाई में लगा के दिखाते हैं, इसे लग रहा है तो मिसाल के तौर पर ये अपनी सप्लाई है इसकी, ये यहाँ से इसका माइनस यहाँ से लेके यहाँ ले लिया जाए, ये देखिए वही बात का पॉइंट आने लगा इसमें, अभी फैन भी चलने लगा और लाइट भी चलने लगी, और इसमें जो है ये वाले माइनस पे लगा रहा है, ये दिख रहा नहीं दिख रहा भाई, इस वाले माइनस पे लगा रहा है, इसके डायरेक्ट वाले पे तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो है हमको यहाँ से माइनस लेना है, यानी इसका माइनस ये यहाँ से कनेक्ट करेंगे ऐसे करके, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला जो इसका माइनस है
इसमें ब्लैक माइनस इसका ये है, ये देखिए यहाँ से तीन तार आए हुए हैं, तो ये वाला जो माइनस है ये यहाँ से इसकी सप्लाई आगे ही घट रही है, तो इसकी सप्लाई हमें इससे लेना है। ये वाला माइनस सही काम कर रहा है, ये फ़ैन का माइनस है, तो इस फैन के माइनस को हम बाईपास कर देंगे इसमें, ठीक है, तभी इससे इसका भी माइनस मिल जाएगा और ये हमारा दोनों काम हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। ना ना डायोड तो सही लग रहा है यार, वो गड़बड़ी है यार, जो प्रिंट उखड़ा हुआ है बस वही कमी है। हाँ चलो ठीक है, इसका माइनस यहाँ से ले लेते हैं। ये आ गया यहाँ से, और अब जो है हमारा माइनस इसको लगा देंगे, ये हो गया। इस तरीके से इसमें ब्लैक वाली वायर में हम ये वाला जोड़ लेंगे, तभी हमारा ये माइनस इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देखिए अब ये हमारा स्टैंड, इसका माइनस जो कट रहा था वो हमने माइनस इसका यहाँ से उठा दिया है, ठीक है। और इस तार को जो है इधर को भगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये इसकी ओजिंग में नहीं जाएगा फिर ये, ठीक है भाई लोगों। ये देखिए ये अभी हमारा इंशाल्लाह वर्किंग कंडीशन में रहेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जला करके, ठीक है। ये देखो इसका मैंने माइनस का निशान लगा लिया था, ये हमारा ग्रीन वाला माइनस है, ये देखिए भाई साहब अभी हमारा बिल्कुल तीनों पॉइंट इसके जल रहे हैं, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो दो पॉइंट जलेंगे, इसमें लगाएंगे तो तीन पॉइंट जलेंगे। हमारा फ़ैन भी चल रहा है, फ़ैन की तो आपको आवाज़ नहीं आती होगी फिलहाल। ये देखिए ये इस टाइम बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, इधर भाई देखिए तीनों पॉइंट जलना है, उधर वाला जल लिया, इधर वाला जलना है, तीनों अभी दो जल अभी दो। हाँ तो मैंने पॉइंट हटा दिया एक, अब देखो सही है, माशाल्लाह ये हमारा इस टाइम वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो देखा भाई लोगों आपने किस तरीके से इसे रिपेयर करना है, बस बाकी इसमें अब इसकी हाउसिंग में फिट कर देते हैं। और बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई भी काम हो उसको दिमाग लगा के इंसान अगर करे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी की से साथ में जो है इंसान रिपेयर कर सकता है, ठीक है। और सर तो उसकी वही है, थोड़ा सा दिमाग और दिल दोनों चीज़ें लगानी पड़ेंगी। और इलेक्ट्रॉनिक का काम मैं बहुत बार बार समझा चुका हूँ कि बहुत ठंडे दिमाग के आदमी का काम है, जो इंसान वो सेल मिजाज का होता है तो वो इसका काम ना करे वो काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है। जिस इंसान को धैर्य होगा वही उसका इसका काम कर पाएगा। अब जैसे ये हमारा ये हो गया, अब इसकी जो है हम लोग पेंच खींच देते हैं पूरे, ये देखिए भाई साहब अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये इसके छोटे छोटे पेंच हैं और हम लोग जो है अब इसके पेंचों को खींच देंगे, ठीक है। अभी आप बने रहें ताकि आपको फिटिंग भी आ जाएगी किस तरीके से खोलना है, खोलने में मैंने पेंच उस टाइम निकाल दिए थे, बस ये हमारे इसमें पेंच लग जाएंगे। पेंच बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत संभाल करके लगाएं, सुनाओ इसरार भाई। हमारे एक भाई हैं इसरार भाई इलेक्ट्रीशियन, जो सऊदी अरब में काम करते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं भाई यार, गुरु आदमी है यार। पहले ऐसे करके इसे धीरे धीरे सब फंसा ले, फिर बाद में आराम से टाइट कर लें, क्योंकि इसकी
लेकिन जो है ये इसकी हीट सिंक है, जैसे एलईडी बल्ब की हीट सिंक वो एलुमिनियम होती है, ऐसी इसकी हीट सिंक ये है। बस इस तरीके से ये हो गया रिपेयर। अभी कस्टमर का भी दिल खुश हो जाएगा कि हाँ यार राज भाई के पास लेकर के आए तो इसका मुकम्मल इलाज हो गया। और जो कस्टमर है वो हमारा व्यूवर भी है वो खुद ये वीडियो देखेंगे, हाँ यार राज भाई ने कैसे सही कराए। ये देखिए भाई साहब दिख रहा है ना, अभी ये हमारा बिल्कुल फिट पार्ट हो चुका है। मगर ये बॉम्बाइट वाला नहीं है सर भाई, ये सादा वाला है। एक पॉइंट जैसे बॉम्बाइट का चलता है वो बॉम्बाइट वाला नहीं है, ये फुल वाइट वाला ही है। ये इसकी हीट सिंक यहाँ से इस तरीके से चैट कर दी जाएगी। हाँ वो बहुत तेज हवा फेंकता है यार, अगर ये फैन नहीं चलेगा तो ये ख़राब हो जाएगा फिर। ये देखिए भाई साहब ये हमारा इस तरीके से फिट हो चुका है, ठीक है। और एक कैप इसकी ये ऊपर की ये रह गई थी, ये भी लगा दी। ये हमारा बिल्कुल माशाल्लाह कम्प्लीट हो चुका है। एक बार फिर से आपको चला के दिखा देते हैं और फिर इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ ये इस तरीके से ये इसमें लग जाएगा, ये इसके ये पॉइंट है ये बस। और इसी तरीके से रहेगा, ये उल्टा डाल दिया गया ऐसा ही है ना। चलो खैर वो तो हैलोजन में जो लगाएगा मैकेनिक वो देख लेगा, ये फिलहाल इस तरीके से रहेगा। तो देखिए भाई साहब ये अभी हमारा जो है माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अरे क्या हुआ यार, फिर गड़बड़ हुई है यार इस भैया। अच्छा अच्छा माइनस गलत लगा दिया, माइनस माइनस ऊपर वाला हम नीचे वाले को लगा रहे हैं यार। हाँ ये देखिए भाई साहब, मैं सोचा शायद यार गड़बड़ हो गया। अभी देखिए इसका ये दो पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। अब नीचे वाले में लगाएंगे तो नीचे वाले में तीनों पॉइंट चलेंगे। ये देखिए भाई साहब ये तीनों पॉइंट चलने लगे और ये अभी हमारा इसका बिल्कुल ओके हो चुका है। इसी तरीके से यही बल्ब जो है कार में भी लगता है। अब ऐसे ही अगर बहुत से लोग सोचते हैं बल्ब खराब हो गया तो फेंक देते हैं, अब ये कॉस्टली बल्ब आता है। इस तरीके से अपने जैसे निकाल करके, और इसकी एलईडी भी अगर ख़राब हो जाए तो एलईडी भी चेंज हो जाती हैं, वसरते कि एलईडी कहाँ मिलती हैं ये मालूम होना चाहिए इंसान को, ठीक है। ठीक है भाई लोगों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही इजाज़ भाई को सपोर्ट करते रहें। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और भाई लोगों वीडियो अच्छी लगा करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें यार, ठीक है। भाई लोगों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।